सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी के वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुन जो सिंधियुन सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्हास लाइन बुलेटिन। हर साल की तरह इस साल भी पप्पू कालानी, ओमी कालानी, पंचम कालानी और जमील खान के मार्गदर्शन में बड़े उमंग और उत्साह के साथ ज्योति माता पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूर्व नगर सेविका कविता तोरणे रगड़े, माजी नगर सेवक गजानन छेल के, समाज सेवी शिवाजी रगड़े, फेरोज खान और सभी उत्तर भारतीय मंच की तरफ से यह मेहनत की गई थी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित रहकर पूजा की और यह कार्यक्रम टीम ओमी कालानी की तरफ से आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लासनगर के सभी मेरी उत्तर भारतीय माता बहनों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि आज ये जितिया माता पूजन का जो पर्व है, सभी माता बहनें अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ये व्रत रखती है और ये बड़ा ही बिना जल ये व्रत होता है। सभी माता बहनें यहाँ पर आती है। अभी जैसे बताया कि ये महिलाओं का उत्सव है, हमारी बहन तत्कालीन नगर सेविका इशरत खान जी ने 2012 में ये जो गणेश विसर्जन घाट पर ये जुतिया माता पर्व शुरू किया था। 2017 में हमारी दूसरी बहन सविता तोरणे रगड़े जी, इन्होंने उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाया और ये 2024 है, हम सब मिलकर ये प्रोग्राम का आयोजन करते आए हैं। तत्कालीन हमारे पूर्व आमदार आदरणीय पप्पू कलानी साहब, ओमी कलानी जी, पंचम कलानी मैडम, इनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम है जो होता आया है और हमारे जैसे समाज सेवक जमील खान जी, फिरोज खान, इशरत खान जी, गजानन शेड़के जी तथा हमारे तमाम उत्तर भारतीय साथी जो यहाँ पर उपस्थित है, ये हमेशा से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। आज मुझे सभी मैं माता बहनों को नमन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। इतनी बारिश होने के कारण बावजूद भी आप यहाँ पर आई, अपने अपनी पूजा अर्चा की और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए अपने दुआ की। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भक्ति है वो कबूल हो और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। फिर एक बार मैं सभी माता बहनों को नमन करता हूँ और उनको जुतिया माता पर्व की उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज उत्तर भारतीय हमारी माता बहनों का जुतिया माता का प्रोग्राम है और आज इस प्रोग्राम को पूरे 12 साल हो गए यहाँ पर शुरू करके। ये प्रोग्राम 2012 में शुरू किया गया था, आज 2024 है और जिस तरह 2012 में हर्षोल्लास के साथ में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, आज 2024 में भी ये प्रोग्राम उसी हर्षोल्लास में देखोगे। तो इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारी सारी माताएं बहनें आई, यहाँ पर पूजा अर्चना किया उन्होंने शांति से और ये प्रोग्राम हमारे लाडले माजी आमदार पप्पू कालानी जी, हमारे ओमी कालानी जी और भाभी पंचम कालानी जी के मार्गदर्शन में, हमारे वरिष्ठ समाज सेवक जमील खान और हमारी बहन नगर सेविका इशरत खान, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम चालू किया गया और ये प्रोग्राम उनके नेतृत्व में जो शुरू किया गया, आज तक वो प्रोग्राम बहुत ही हंसी और खुशी से मनाया जा रहा है। आप देखोगे तो वाकई में ये बाकी जगहों पे आप देखोगे तो कहीं पर भी बारिश होने के कारण ये पूजा नहीं हो पाई। एक संजय गांधी नगर में ही एक स्थल है जहाँ पर सारी चीज़ों की सुविधा की उपलब्ध करा के उनको दी गई और ये पूजा बहुत ही खुशी से हुआ है। और इसमें अगर सहयोग आप देखेंगे तो हमारे शिवाजी रगड़े जी, उत्तर भारतीय मंच और हमारे माजी नगर सेवक गजानन छेलके जी इस प्रोग्राम में सफल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का, जो यादव जी है, मोनू भाई है, मजहर जी, मोंटी, आरिफ भाई, सभी सोनी चाचा, सभी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब 2012 में हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो यही टीम साथ में थी और आज 2024 में भी यही टीम आज साथ में खड़ी है।
एकदम तन मन से, और ये प्रोग्राम सफल बनाने में ये टीम का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इस टीम का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जो हमारी माताएं बहनें आई उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा, और आपके माध्यम से पूरे शहर को मैं जुतिया माता की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।